हम बोलते हैं पहले ये काम या पहले वो काम। जरूरत किस बात की है दुनिया में? कुर्बानी करने में जरूरत है, प्रेम करने में है जरूरत है, और अपने को मार के दूसरे को जिंदा रखने का है। आई मे डाई दैट यू मे लिव, मैं मरूं तुम जियो। तुम ऐसे सुनते हैं पर आज ही अपने को जाके चेंज नहीं करेगा तो आज मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ। तुम्हारी मैं आज मरना चाहिए, नहीं तो मरने तलक तुम्हारे घर वाले तुम्हारे में शक रख के मरेगा, तुमको भी अंत वेले ऐसा बोलेगा तो इसने मेरे को खुश नहीं किया लाइफ में। सब तेरे से नाराज है, नीरस है, सीरस है। तू इतना संसार में बोझ हो के क्यों रहता है? अब देखो वो इंसान घर में रहता है पर बोझ बन के रहता है, वेटलेस नहीं है, क्योंकि मुर्दा नहीं बना ना। जीते जी मुर्दा बनो ना, जीते जी वेटलेस बनो ना, थॉटलेस बनो ना। मरने के बाद तुम्हारे क्या होगा तो हम मर के जिंदा होके देखते हैं। तो मेरे शरीर छोड़ने के बाद क्या ड्रामा होगा? ऐसे हम जहाँ जाते हैं फिर जब इधर आते हैं तो उधर हम दिखाते हैं, तो तुम्हारी अभी लाइफ कैसे होगी? तुम मेरे सवेरे रह के देखो तो कैसे रहता है। सतगुरु कहो आगा मरी जियो जग में। पहले जितनी तुम्हारी हस्ती है दुनिया में, जितनी हस्ती है वो तुमको मिटानी पड़ेगी टोटल। पहले मैं ऐसा देखते थे अभी नहीं देखता हूँ, पहले मैं ऐसा करती थी अभी नहीं करती हूँ, पहले ये करते थे अभी ये नहीं करते हैं। तुमको टोटली तुम्हारी एटीट्यूड भूलना चाहिए। जैसे वाल्मीकि ऋषि रोज चोरी करके पैसा लेके अपने घर वालों को खिलाता था, एक दिन उसको चोरी का माल मिला नहीं तो संत को आके पकड़ा। संत को थी हाथ में तुम भी, बोला ये दियो मेरे को खाना खिलाने का है, ये मेरे को दियो। उसने बोला हम तो देने के लिए तैयार है पर जिसको तू खिलाता है वो तेरे किस काम को आएगा? तू इतना कर्म बनाता है उनको खिलाता है, वापसी में उनसे मिले तो मैं तुमको तुम भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम जाओ अपने माँ बाप के पास, औरत के पास जाओ। वो गया, भाई हम जे मरेगा तुम क्या फल देगा? इतना चोरी किया, ठगी किया, मेरे को क्या मिलेगा? ची मुआ तू ही कर, तू ही भोग, तू खाली खाना लेके आई, हम तो तुम्हारे खाने के लिए बैठे हैं, हिसाब किताब तुमको अकेला देना पड़ेगा, हम क्या करेगा? उस बेचारे को इतना वैराग आ गया कि कोई साथ न देगा, अंत समय भी कोई साथ नहीं चलेगा तो मैं अकेला हिसाब किताब करेगा, तो ये क्या बात हुई? उस दिन से उसको वैराग आया जो फिर दुनिया में नहीं गया तो मैं मोह में इतना चोरी ठगी पाप करूं। तुम भले चोरी करो ठगी करो, मीठा मीठा करके खाएगा पर हिसाब सबको अकेला देना पड़ेगा। बाप की करनी बाप भोगेगा, बेटे की करनी बेटा भोगेगा। जो जो ऐसा करेगा तैसा फल पाएगा, उसमें तू क्या करेगा? तो वे वाल्मीकि ऋषि ने देखा तो ये कोई काम का नहीं है, तो वैराग लेके एक अकेला समाधि में बैठ गया। फिर उधर देखा तो लोग घोड़े पर चढ़ के मंदिर में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है। उसको बुला इधर आओ, तू मंदिर में जाता है? चीं 30 बरस हुआ है, चीं अभी तक वैराग की चमाट नहीं लगी है गुरु की? ऐसे एक एक को पकड़ के उसको बोले इधर बैठो, कितना बरस हुआ है तुमको सत्संग में आने? मंदिर में कितना दिन हुआ है तुमको? क्या चेंज हुई है बोलो? सब बोले नहीं 30 बरस हुआ, 20 बरस हुआ, पर मन ऐसे का तैसा है, वैराग की चमाट हमको लगी नहीं है। तुमको कैसे वैराग की चमाट लगी? मेरे गुरु ने मेरे को सुझाग कर दिया तो सब है मतलब के यार, मत करो किसी को प्यार। सब मतलब के नहीं है पर आज लगता है तो हम सबसे मतलब से चलते हैं, हम अपना मतलब पूरा करके बच्चों को दुखी करते हैं। जे हम एक हम मत शुरू करें तो फिर कोई मेरे को ठगेगा नहीं। तो पहले लगता था तो वे मतलब के यार है, अभी के टाइम में लगता है हम मतलब के यार है। हम भी अंदर में मतलब अपना पति से, बेटे से, भाई से, बाप से पूरा करते हैं, तभी बड़ा मोटा टकरा होते हैं तो हम अपना मतलब पूरा करते हैं। तुम देखो तू जे अपना निर्वास ना होना शुरू करो तो मेरा मन कहाँ भी न जाए, मैं एक शब्द भी घर में नहीं बोलूंगा, मैं जिससे बात करूंगा तो बीच में भगवान लाएगा, ऐसा नहीं टांट करेगा, अटैक नहीं करेगा किसी को
तो तू ऐसा क्यों करता है? तू बेटे को नहीं पूछता है, तू बाप को नहीं ऐसा करता है, तू नकल को क्या करता है? तो फिर संसार की कहानी खत्म ना होगी तेरी।